डोंगरगांव क्षेत्र के विधायक दलेश्वर साहू की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक ओर जहां पहले डीजल बिल के मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया था, वहीं अब मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान में पत्नी जयश्री साहू और कांग्रेस के आर्थिक रूप से संपन्न सेक्टर प्रभारियों को मिले अनुदान की सूची सोशल मीडिया में वायरल होते ही तूल पकड़ रही है। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने धरना प्रदर्शन कर विधायक दलेश्वर साहू का पुतला दहन कर विरोध दर्ज किया। लोग ये चाहते हैं कि इस प्रकार के घटना की पुनरावृत्ति ना हो और सत्ता का दुरुपयोग ना हो। पैसा मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान की जो राशि है वो केवल गरीबों के लिए, आजकल स्मार्ट कार्ड में भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज नहीं होता, ऐसे गरीब लोगों को इलाज के लिए, गरीब को अपनी लड़की की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, जीविकोपार्जन के लिए इस सब हेतु स्वेच्छा अनुदान निधि का निर्माण किया गया है। अभी सभी को जैसा पता है कि इस क्षेत्र के विधायक दलेश्वर साहू जी को स्वेच्छा अनुदान से जो राशि लोगों को मिली है उसमें सबसे ज़्यादा जिनको राशि मिली है वो उनकी धन पत्नी के नाम पे 5 लाख रुपए उनकी संस्था के लिए उन्होंने दिया है, और साथ ही साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को इतनी बड़ी राशि उन्होंने स्वेच्छा अनुदान के माध्यम से दी है। तो हमारी आज सवाल भी है और मांग भी है, क्या आम जनता जितनी बड़ी बड़ी राशि उन्होंने आज संस्था में अपने धनपति के नाम दी, क्या उन्होंने आम जनता को कभी जरूरतमंदों को इतनी बड़ी राशि उपलब्ध कराई है? आज वह जनहित की जगह परिवार हित में अपने पद का दुरुपयोग करने लगे।